नहीं करना चाहिए था। जो भी है वो तो वक्त आने पे पता ही चलेगा क्या सही है क्या गलत है, लेकिन बस यही है कि ऐसे हाथापाई नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर सिर्फ गाड़ी देखने के लिए मेरे मुझे सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज अनसब्सक्राइब। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय स्वागत करता हूं आज के इस ब्लॉग पे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे, थंबनेल देख के भी आपको आइडिया आ गया होगा कि देखिए ऐसा मेरा, मुझे भी काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, मुझे पूछा जा रहा था कि ब्रो एल्विस यादव ने जो किया गया सही किया कि नहीं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, अभी थोड़ा बताइए इसके बारे में। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, ऐसा करना तो नहीं चाहिए था डेफिनेटली। मेरे को अपना पर्सनल अगर मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि जो भी मैटर था दोनों के बीच में वो 1:1 सॉर्ट आउट करना चाहिए। ऐसे गैंग बैंग लेके ये ऐसा प्रूफ करना चाहते थे क्या कि देखो मैं ही बड़ा हूँ, इट्स नॉट राइट, नहीं करना चाहिए था। जो भी है वो तो वक्त आने पे पता ही चलेगा क्या सही है क्या गलत है, लेकिन बस यही है कि ऐसे हाथापाई नहीं करना चाहिए और जो भी मैटर है वो बात करके सॉर्ट आउट करना चाहिए था। अगर ऐसा कुछ है जो उनको बुरा लगा हो, एल्विस यादव को अगर बुरा लगा हो लीगल के लीगल वाइज FIR करके या जो भी लीगल जो प्रोसीड्योर है उसको फॉलो करना चाहिए था मेरे ख्याल से। लेकिन ये ऐसा फील हो रहा है कि सब्सक्राइबर जितने ऑडियंस जितने जनता ने उनको इतना ऊपर प्यार दिया है और आज उनको सर आंखों पे बिठाया है, अब ऐसा लग रहा है कि उनको एक तरफ है ना वो सर पे वो चढ़ गया है। लाइक अगर देखिए नॉर्मली अगर होंगे ना तो नॉर्मल जो बंदे अगर अब मेरे हो तो मेरे ख्याल से उसको हम्बल रहना ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया पे लोग बहुत कुछ कहते हैं तो हर चीज माइंड में लेना सही नहीं है, और अगर ऐसा ही है तो वो ट्वीट करके या उनके यूट्यूब वीडियो में जाके अच्छी खासी रिप्लाई दे सकते थे, लेकिन हाथापाई इज नॉट गुड। तो गाइस अब जो है पहली बात है कि मुझे एक कमेंट आया था, ये जो अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं इस कमेंट का आज मैं रिप्लाई दूंगा। सेकेंडली दूसरा ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं अभी बहुत जल्द एक क्लासिक कार के शोरूम में जाने वाला हूँ जहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया क्लासिक कार रखे हुए 1980s, 1999 के, 80s के, 90s के, 70s के। तो क्या आप वो देखना चाहेंगे कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थर्ड ये है कि दोस्तों मैंने कभी भी Q&A सेशन नहीं किया है, तो मैं फर्स्ट टाइम Q&A सेशन करना चाहता हूँ। तो मुझे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इस वीडियो के नीचे। मेरे नेक्स्ट वाले वीडियो में जब मैं क्लासिक का बनाने जाऊंगा तो उसके साथ साथ मैं उसके रिप्लाई भी दूंगा जो भी आपका क्वेश्चन है। तो गाइस ये दो जो कमेंट आया था बड़ा ही प्यारा कमेंट था, मुझे बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था इसका रिप्लाई देने के लिए। मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो में ही मैं आपको बताऊं, क्योंकि कमेंट्स में कमेंट का रिप्लाई दे सकता था, मैं डेफिनेटली दूंगा भी, और सोचा इसका पर्सनली लाइक वीडियो में मेरे को आंसर लाइक फीलिंग के साथ मुझे बताना था। IJ4456 की तरफ से है जिसने लिखा था कि कैन यू शेयर सम रियलिटी वीडियो ऑन द जेटूर कार्स, आई एम कंसिडरिंग टू गेट वन स्पेसिफिक T2, आई एम जस्ट हेजिटेट बिकॉज ऑफ द स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, कैन यू टेल अस ऑन द स्पेयर पार्ट्स इन द UAE। तो दोस्तों ऐसा है कि ब्रो ये बात है कि T2 नो डाउट बहुत बढ़िया है, मैं पर्सनली जाके देखा हूँ, आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं मेरे वीडियो को, मेरे व्लॉग को जाके चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा आइकॉन भी आप देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल में जाके आप देख, तो चैनल में जाके आपको देख के मालूम पड़ेगा बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। डिफेंडर का मतलब ऐसा, मैं देखो डिफेंडर डिफेंडर है डेफिनेटली, लेकिन उसके कॉपी में अगर मेरे पास सस्ता, मतलब इतना पैसा नहीं है डिफेंडर खरीदने जैसा, लेकिन मुझे उसके करीब करीब एक कार चाहिए तो T2 इज द बेस्ट। रही बात इसकी पार्ट्स की, तो देखिए मोर और लेस यहाँ पे सब जगह उसका पार्ट्स अवेलेबल है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एलीट जो इनके कार शोरूम से उनकी तरफ से ही सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप लोकल मार्केट में एक बार चेक कर सकते हैं, मोर और लेस इसका मिल ही जाएगा, क्योंकि मैंने जितना तक अभी तक रिसर्च किया मुझे कम ज़्यादा मिला है। तो आप एक बार यहाँ, क्योंकि ये कार मार्केट बहुत बड़ा है, तो कोई एक नया कार जब मार्केट में आ रहा है तो डेफिनेटली उसके जो स्पेयर पार्ट्स है वो डेफिनेटली मिल जाएंगे। अब मैं दूसरा ये जो कमेंट्स है ना,
माइंड ब्लोइंग है। इन्होंने मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को आईना दिखाया है। आप मुझे बताइए कि इन्होंने जो कमेंट लिखा है वो सही है कि नहीं। लिखा है भैया कॉमन सेंस यूज कीजिए, 300 प्लस वीडियो है आपके, ना सब्सक्राइबर गेन कर कर ना सब्सक्राइबर गेन किए हो ना व्यू, कोई मतलब नहीं है ऐसी वीडियो कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी का मतलब डेली वीडियो डालना नहीं, वीडियो अपना काम को और अच्छे तरीके करने से कंसिस्टेंट कहते हैं, मतलब उसको अच्छी तरह से इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं कंसिस्टेंसी होने का मतलब डेली वीडियो डालना नहीं है, आपके काम को और अच्छे से करने को कंसिस्टेंसी कहते हैं। आपका थंबनेल भी बहुत फेड या येलो बोल्ड बॉर्डर टेक्स्ट है, आपका बैनर अवतार प्रोफेशनल टाइप बनाओ, और भैया टाइटल को ठीक से लिखो, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपके वीडियो के सर्च करने पर। तो पहला क्वेश्चन ये है, पहला मैं इसका आंसर दूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सच में बहुत बहुत खुश हुआ कि एटलीस्ट बहुत टाइम के बाद किसी ने मुझे बताया कि एक्चुअल मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे है वीडियो मैं बना रहा हूँ, डेफिनेटली मेरे को भी आइडिया था कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मैं देखो मैं डेली जैसे जैसे वीडियो डाल रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप मेरे एकदम पुराने वीडियो में देखेंगे और आपके वीडियो में बहुत अंतर देख पाएंगे, ये मुझे पर्सनली लगता है, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ। तो ये वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ डेफिनेटली, और रही बात थंबनेल की, देखिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि उसको और इम्प्रूव करूँ, आगे मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आगे जाके मैं धीरे धीरे इसको और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। बात है कि देखिए अगर मैं फुल फ्री हूँ तो डेफिनेटली जॉब करना और उसके साथ साथ ये ब्लॉगिंग भी, इट्स नॉट दैट मच ईजी जितना लग रहा है वीडियो देख के, और डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा आपकी इस सजेशन को। देखते हैं कितना क्या आपके इस सुझाव के में जब मैं काम करूँगा तब मुझे आप वीडियो देख के बताइएगा कि क्या लगता है कि इम्प्रूव हुआ है कि नहीं। और लास्ट में यही कहूँगा दोस्तों कि चलिए बहुत जल्द तो मैं दुबई छोड़ रहा हूँ, ओमान जा रहा हूँ, तो अब शायद मैं गाड़ियों की वीडियो नहीं बनाऊँगा, लेकिन मेरे माइंड में एक चीज़ है, लेट्स सी मैं ओमान पहुँचूँगा फिर मैं आपको बताऊँगा कि आगे की वीडियो मैं कैसे डालूँगा। लेकिन मैं इतना ही बता दूँ, अब गाड़ियों की वीडियो मुझे लग नहीं रहा है कि मैं उतना डाल पाऊँगा, तो प्लीज़ कोई भी अगर सिर्फ गाड़ी देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब कीजिएगा, रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका मन टूटे या मैं आपको वेस्ट करूं आपके टाइम को। अगर गाड़ी के अलावा सिर्फ मेरे ब्लॉग को पसंद कर रहे हैं तो डेफिनेटली बने रहिए, मेरे को बहुत दिल से शुक्रिया। और अगर आपको मेरी ब्लॉग्स अच्छे नहीं लगते, आपको सिर्फ कार ही देखने हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सिर्फ कार के लिए आई डोंट थिंक मैं बना पाऊंगा, तो मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिए।